और उनके मृत्यु 2019 को हो गई थी। अब वो उनसे 22 में मजदूरी कराई जा रही। मेरे पास डेथ सर्टिफिकेट सब कुछ मेरे पास है, उनके मास्टर रोल भी निकाले जा रहे हैं। इसी तरीके का घपला करीब 12 लोग मृत्यु के पश्चात मजदूरी कर रहे हैं। सैकड़ों जाप कार्डों में दूसरे जाप कार्ड किसी का है और खाते अन्य लोगों के लगा के फर्जी तरीके से उनसे रुपए निकाले जा रहे हैं, जो सरकारी रुपए का बंदरबाट किया जा रहा है। क्या आपने किसी मुर्दे को काम करते देखा है या किसी को मरने के बाद पैसे कमाते देखा है? नहीं देखा होगा, लेकिन क्या हो अगर हम आपको बताएं कि यूपी में ही मरे हुए लोग मनरेगा का काम कर रहे हैं और कमाई भी की जा रही है। ये मामला है हमीरपुर का, जहां सरकारी कागजों के मुताबिक जो लोग मर चुके हैं वो भी मनरेगा के तहत मजदूरी कर रहे हैं और बैंक अकाउंट से पैसे भी निकाले जा रहे हैं। हमीरपुर जिले में विकास कार्यों की ऐसी गंगा बह रही है कि जिसमें इंसान तो क्या, मुर्दों को भी मजदूरी और काम मिल जा रहा है। इतना ही नहीं, मुर्दे बाकायदा बैंक जाकर अपना मजदूरी का पैसा निकाल ले जा रहे हैं। ये सनसनीखेज मामला सामने आने के बाद जिले में हड़कंप मचा हुआ है। यकीन नहीं होता तो हमीरपुर के देवेंद्र को सुन लीजिए। पिता की मौत साल 2019 में ही हो चुकी है, पापा का डेथ सर्टिफिकेट भी है, लेकिन सरकारी कागजों के मुताबिक वो आज भी मनरेगा में मजदूरी कर रहे हैं। यानी मौत को 3 साल से ज्यादा हो गया है, लेकिन कागजों में जिंदा रखा गया, मजदूर दिखाकर लाखों रुपए का बंदरबांट किया गया। मेरे पिताजी इस गांव के 4 बार प्रधान रहे उसी गांव, और उनके मृत्यु 2019 को हो गई थी। अब वो उनसे 22 में मजदूरी कराई जा रही। मेरे पास डेथ सर्टिफिकेट सब कुछ मेरे पास है, उनके मास्टर रोल भी निकाले जा रहे हैं। इसी तरीके का घपला करीब 12 लोग मृत्यु के पश्चात मजदूरी कर रहे हैं। तो सुना आपने किस तरह मनरेगा के नाम पर यहाँ घोटाला चल रहा है। कोई मरने के बाद भी काम कर रहा है तो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने वाले लोगों को भी मजदूर बनाकर पैसों की हेरा फेरी की जा रही है। करीब 10-15 वर्षों से हम लोग बहंगा में निवास करने लगे, वहाँ पे हम प्रधान ग्राम खंड, जब मैं प्रधान था ग्राम पंचायत बहंगा में, उसी समय ग्राम खंडे में मेरा जॉब कार्ड इशू करके वहाँ पे मेरी हाजिरी लगाई जा रही थी और मुझसे नरेगा में काम करवाया जा रहा था, जबकि हम लोग आयकर रिटर्न भी भरते। इसी तरीके गाँव में सैकड़ों जॉब कार्डों में दूसरे जॉब कार्ड किसी का है और खाते अन्य लोगों के लगा के फर्जी तरीके से उनसे रुपए निकाले जा रहे हैं, जो सरकारी रुपए का बंदरबांट किया जा रहा है। देवेंद्र की माने तो उन्होंने अधिकारियों से सबूतों के साथ शिकायत की है, तो वहीं अशोक तिवारी का कहना है कि मरे हुए लोगों की अटेंडेंस भी 100% लगाई जाती है। एडीएम साहब को दिया था, डीडीओ साहब को, पीडी साहब को, और ब्लॉक में सब जगह हम शिकायत कर चुके हैं। प्रमाण सहित हमने पूरे सबको साक्ष्य दिए हैं, इसकी जांच कराकर कठोर से कठोर कार्रवाई करेंगे। कितनी संख्या होगी मृतकों की? मृतकों की संख्या लगभग 70 से 80 होगी, जिनके जॉब कार्ड भरे जा रहे हैं। अटेंडेंस कितनी लगाई जा रही है उनकी? 100% अटेंडेंस है उनकी। यानी योजना के नाम पर बड़ा घोटाला चल रहा है। इस मामले में जब हमने मुख्य विकास अधिकारी से बात की तो सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। यहाँ पर कुछ ऐसे मनरेगा श्रमिक जिनकी मृत्यु हो गई है उनको भी काम पर दिखाया जा रहा है और उनका पेमेंट भी लिया जा रहा है। कुछ ऐसे भी मनरेगा श्रमिक जो सरकारी नौकरी में है या अच्छे पदों पर कहीं काम कर रहे हैं उनका भी, उनको भी काम पर दिखा करके उनका मानदेय निकाला जा रहा है, और कुछ ऐसे जो यहाँ नहीं हैं बाहर कहीं हैं उनका भी, उनको श्रमिक दिखा करके और उनका पैसा बैंक के खातों में भेजा जा रहा है। ये प्रकरण बहुत ही गंभीर है, इसको लेकर के मेरे द्वारा एक टीम बनाई गई है खंड प्रोग्राम ऑफिसर की अध्यक्षता में, उसमें प्रोग्राम ऑफिसर उसके अध्यक्ष हैं और संयुक्त कार्यक्रम अधिकारी उसके सदस्य हैं और एक अवर अभियंता उसके मेंबर रखे गए हैं। आज इस समय खंडे गांव में ही इसकी जांच चल रही है, जहां पर पूरी टीम लगी हुई है, और मेरा उन लोगों को ये संदेश है कि अगर ये सही पाया जाता है
तो जितनी भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो सकती है इनके विरुद्ध कराई जाए। तो खंडेह गांव में लगभग 1700 मनरेगा के जॉब कार्ड धारक मजदूर हैं। इसमें से करीब 80 लोगों की मौत हो चुकी है और 132 मजदूरों का पेमेंट फर्जी तरीके से निकाला जा रहा है। शिकायतकर्ता की माने तो सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक लगभग अभी तक 2,20,00,000 रुपए का घोटाला किया गया है। वही अधिकारी भी जांच करने की बात कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिरकार ऐसी नौबत आती ही क्यों है? ये कैसी व्यवस्था है, ये कैसा सिस्टम है कि अधिकारियों की नाक के नीचे इतना सब होता रहा लेकिन किसी को भनक तक नहीं लगी? ये घोटाला अपने आप में कई बड़े सवाल खड़े कर रहा है। हमीरपुर से नाहिद अंसारी की रिपोर्ट, यूपी तक।